हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज देख रहे हैं आप स्कॉर्पियो से जा रहे हैं। भाई साहब बहुत दिन हो गए थे स्कॉर्पियो को नहीं निकाला। एक्चुअली निकालने का रीज़न ये है कि हमारी जो न्योस है वो गंदी बहुत हो रही थी, तो सोनू कह रहा भाई साहब अपनी हुंडई पे एक सर्विस उधार है, सर्विस नहीं वॉशिंग उधार है। मतलब लास्ट टाइम जो सर्विस के लिए गए थे हम, तो क्या था कि उनकी मशीन वगैरह ख़राब थी वॉशिंग की, तो हमारी वॉशिंग करी नहीं थी उन्होंने, सिर्फ सर्विस करके दे दी। और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है अंदर से ना बाहर से, तो बोले मैं इसको वॉश करने के लिए दे देता हूँ। तो हमने गाड़ी जो है यार्ड पे छोड़ दी है और हम जा रहे हैं गंज वासौदा जा रहे हैं हम सैंपल लेने के लिए गिट्टी के, क्योंकि हमारे पास माल का जो थोड़ी शॉर्टेज आ गई है और जहाँ से माल आता था अभी वहाँ पर माल बन नहीं रहा है, तो हमें दूसरी जगह से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए जा रहे हैं हम स्कॉर्पियो लेके। स्कॉर्पियो ले जाने का एक रीज़न और है कि जो क्रशर्स होती है वहाँ के रास्ते जो हैं बहुत ख़राब होते हैं, छोटी गाड़ियाँ अड़ जाती हैं और ये बड़ी गाड़ी है तो ये नहीं अड़ेगी, ऊँची है। ठीक है, और हमारे साथ आसिफ भाई भी है, प्रमोद है, और खाना नहीं खाया हमने भी किसी ने भी अभी तक, और हम खाना खाएंगे रास्ते में कहीं अच्छी जगह देख के, या तो हम तोमर रिसोर्ट चलेंगे अगर जल्दी ना पहुँचे, मतलब लेट ना हुए तो, नहीं तो रास्ते में कहीं और देखते हैं। बने रहो वीडियो में, मिलते हैं। गाड़ी में आपको थोड़ी सी उसी ऐसी छुन छुन की आवाज़ आ रही होगी, पर क्या हुआ था, इसको सर्विस पे भेजा था, सेकंड सर्विस जो 10,000 किलोमीटर पर होती है। तो यार इन लोगों की, महिंद्रा वालों की ना इतनी बकवास सर्विस है, इतनी बकवास सर्विस है इसकी हद नहीं। मतलब उनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन सर्विस के मामले में महिंद्रा को 0 नंबर। मैंने उन्होंने 4 घंटे लगाए गाड़ी को सिर्फ धो ही पाए वो, उन्होंने बोलेरो कर दी, सब कर दी, 4 गाड़ियाँ बीच में करके भेज दी, लेकिन अपनी गाड़ी नहीं कर पाए। पूरे 7 घंटे में गाड़ी नॉर्मल सर्विस ऑयल पानी चेंज करके दे पाएंगे, और ये विंडोज़ में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है और एक दो जगह से और आ रही है, वो कंप्लेंट करी थी, सॉफ्टवेयर अपडेट होना था, इतना सा भी काम नहीं कर पाई है इतना सा भी। ये देखो आपको आवाज़ आई होगी अभी, गाड़ी ज़रा से ब्रेकअप पे से गई। ठीक है, तो ये बड़ी शिकायत है मेरे को, है ना। तो हम आ गए हैं कहाँ पर, हमारी साइट पर जहाँ पर हम काम लेने आए हैं, और काफ़ी बड़ा काम है। पहले बात कर लें पार्टी से, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा काम क्या है। ओके, और रोड देखो यार कितने साल हो गए इसको, आज तक वैसा का वैसा ही चल रहा है, और रोड के ऊपर लोड भी कम है थोड़ा सा, मतलब कम ही ट्रैफिक रहता है। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी और हम आए हैं, ये है तोमर पैराडाइज जो कि है गंज वासौदा से थोड़े से पहले, और वहीं आए हम। बहुत शानदार होटल है भाई साहब, यहाँ पे कई बार मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आए हम लंच करने के लिए। भाई साहब अभी बैठे हम रेस्टोरेंट के अंदर और ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में आता है, और दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने एक प्लेन रायता किया है, बूंदी रायता, और एक मिक्स वेज तंदूरी रोटी विथ बटर, एक ग्रीन सलाद, एक पानी की बोतल, इतना ही कुछ। ये रेस्टोरेंट है, ये प्रमोद भाई, ये हमारे आसिफ भाई, और ये हम बैठे हैं। बड़ी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, चलता रहता है ऐसे लाइफ में। तो भाई साहब ये हमारा फूड है, हमने खाना भी शुरू कर दिया और भूख ज़्यादा तेज लग रही थी। ये मिक्स वेज सलाद और ये दाल, खाने के बाद बताते हैं कैसा है। तो भाई साहब हम रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं, तोमर पैराडाइज जो कि गंज वासौदा से 6 किलोमीटर पहले है। मस्त खाना था और रेट भी बहुत अच्छे हैं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ। और इस जगह पे जो है एक पहले से पार्टी चल रही थी, बर्थडे पार्टी या कोई सी भी कोई एनिवर्सरी तो होगी किसी की, तो काफ़ी सारी भीड़ भड़कता था, इसलिए हमको काफ़ी देर लग गई वहाँ पे ऑर्डर जो है आने में, हमें काफ़ी समय लग गया, नहीं तो इतनी देर लगती नहीं है। अब एक वाक्य हो गया वहाँ पर भाई, हम खाना खा के, हाँ टेस्ट बहुत अच्छा था, बढ़िया था एकदम, क्योंकि पहले भी हमने ट्राई किया हुआ है इसलिए नॉट बैड। तो वाक्य ये हुआ कि वो जो एनिवर्सरी मनाने आए थे वहाँ पे म्यूज़िक की व्यवस्था नहीं, उनको लगा कि वहीं पे रेस्टोरेंट या होटल में होगा, तो जो कि था नहीं,
और ये लोग खुद भी अपनी व्यवस्था नहीं लाए, तो अब स्पीकरों की जुगाड़ करते फिर रहे थे। तो वहाँ पे एक स्पीकर की जुगाड़ हुई, चालू करा, आधा गाना बजा, बैटरी डिस्चार्ज। बहुत मज़ा आया। तो बाहर जो है ये लोग जैसे बाहर निकल रहे थे, तो अपनी गाड़ी में मैंने म्यूज़िक चालू करा, सिद्धू मूसेवाला का लास्ट राइड। मज़ा ही आ गया भाई साहब देख के, कितना धांसू और साउंड आ कहाँ से रहा है। इसका फुल वॉल्यूम कर दिया मैंने, और ऐसे पड़े फाड़ू साउंड आता है ना, खतरनाक वाला, हिल जाता है आदमी। तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए थे। फिर हम रुके नहीं, हम निकल आए, कोई मतलब नहीं किसी और के फटे में टांग अड़ाने से, इसलिए क्योंकि हमें अपना काम करना है। और हम जा रहे हैं अभी क्रशर्स पे, जहाँ पे हमको रेट लेने हैं और क्वालिटी चेक करना है, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो भाई साहब देखो, हम क्रशर्स पे आए हुए हैं और यहाँ पर रास्ते कितने खतरनाक हैं, और ये गाड़ी है जो निकल के जा रही है, नहीं तो और कोई गाड़ी होती ना तो हम निकाल ही ना पाते। और इधर हमने JCB की 220 चल रही है, क्या 140 है, 140, ये काफ़ी बड़ी दिख रही है। अरे तो क्या आसे भाई, 140 बहुत बड़ी दिख रही है। ठीक है, वो मीडियम सारे। तो अभी अभी हम जब लौट के जाएंगे ना, तो मैं आपको एकदम कीचड़ वाला रास्ता दिखाऊंगा, जहाँ से अपन नहीं इस गाड़ी को हम निकाल के लेके आए हैं सीधे। हाँ सीधे सीधे। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे माल चेकने के लिए। तो भाई साहब देखो रास्ता कैसा है, और अभी कीचड़ वाला आया नहीं है, ये एक्चुअली डंपरों का रास्ता है, यहाँ से डंपर निकलते हैं बस। और ऐसे रास्तों पे हम स्कॉर्पियो लेके निकल रहे हैं लोग, गड्ढे खुड्ढे कितने खतरनाक हैं। वैसे यहाँ 4-wheel लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चली जाएगी वो। तो भाई साहब सामने देखो, यहाँ पे गिट्टी निकल रही एकदम फ्रेश, और ये हमारे काम की गिट्टी है। तो अभी जा रहे हैं बात करने के लिए, और फिर बताते हैं क्या स्थिति आती है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, बहुत सारे सोलर पैनल लगे हैं। और ये इतना बड़ा प्लांट है कि ये MP का सबसे बड़ा प्लांट है, गंज वासौदा के अंदर, जो कि एक तहसील है मध्य प्रदेश की, हमारे ज़िले की, विदिशा ज़िले की। और इतना बड़ा प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। एक बार हम कमलेश डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल गया, और इत्तेफाक से आज वहाँ पे हमारा आना हो गया। तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, देखो आप। ये जो दिख रही है ना, ये सोलर प्लेटें हैं जिनका मुंह उस तरफ है, बहुत लंबे चौड़े में है, बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जाएगी ना, और आगे भी बहुत दूर तक। अभी हम जहाँ तक जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। और ये बिजली इतनी ज़्यादा मात्रा में बनती है कि ये जो प्लांट है पूरे गंज वासौदा को सप्लाई दे सकता है, इतना बड़ा प्लांट है। और ये लगा देता हूँ मैं अभी, क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर। और एक और बड़ी समस्या और, कि देखो ये लगे हैं ना, ये यहाँ से आपको दिख जाएंगे, एक जो इस अभी है ना, आप अप्रैल का महीना चल रहा है, मई शुरू होने वाला है यार, ऐसी बारिश हो रही है भाई साहब जैसे कि जुलाई अगस्त चल रही है यार, क्या है ये इतनी भयंकर बारिश। देखो ये अपन आ गए सिरे पे, ये पूरी गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये पठार पड़ी हुई है सरकारी ज़मीन में, इस कोने से लेके ये यहाँ से फेंसिंग शुरू हो गई है, यहाँ से लेके बहुत दूर तक बड़ी बड़ी DP भी लगी हुई हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। इस शहर को, गंजवासौदा शहर को देने के बाद भी इनके पास इतनी बिजली बचती है कि ये बेच सकते हैं कहीं भी, समझ रहा हूँ, इतना बड़ा प्लांट है। और इसी तरह का एक वाटर प्लांट की जो है तैयारी चल रही है गंजवासौदा के अंदर, जो बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी बैतवा नदी के ऊपर बन रहा है, और वो जल्दी तैयार हो जाएगा।